किचन में घंटों काम करना किसी को भी नहीं पसंद है, स्पेशली गर्मी में। एंड अगर आप बैचलर हो तब तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अलग अलग मसाले ऐड करना थोड़ा टाइम ले लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में एक सिंपल तरीके का मसाला शेयर किया जाए, जिसे ऐड करने के बाद सब्जी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा एंड काम बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लिया पैन। आप कोई ऐसा बर्तन लेना जिसमें मसाले आसानी से भुन जाएं। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई और सूखे मसाले। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 5 बड़ा चम्मच इतना धनिया। तो ये नॉर्मल वाला चम्मच है जो कि सबके पास इजिली अवेलेबल होगा। और साथ में ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच इतना जीरा। नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच इतना फेनल सीड्स, जिसे कि सौंफ भी कहा जाता है। तो आप मसाले बिल्कुल ध्यान से देख लो कितना ऐड करना है, तभी आपका मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच इतना गोलकी, जिसे कि काली मिर्च भी कहा जाता है या फिर ब्लैक पेपर भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच लौंग, तो अप्रोक्स 10 से 15 के आसपास है। और साथ में ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इतना जावित्री, जिसे कि मैक कहा जाता है। बहुत अच्छा सा अरोमा इसका भी रहता है, तो जरूर से ऐड करना। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 जायफल, जिसे कि नटमेग भी कहा जाता है। इससे मसाले का टेस्ट और अरोमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी का। तो छोटा छोटा तोड़कर ऐड करेंगे ताकि सारे मसाले के साथ बिल्कुल आसानी से भुन जाए। और साथ में ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 10 से 12 इतना लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पर डंटी के साथ में यूज कर रही हूँ। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पेट में जलन होती है लाल मिर्च की वजह से, तो आप डंठल के साथ यूज करना। तो इसे मैं तोड़ दे रही हूँ ताकि बिल्कुल आसानी से भुन जाए। और साथ में ऐड कर रही हूँ 3 से 4 तेज पत्ता, तो इसे भी हम तोड़कर ऐड करेंगे ताकि सारे मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। तो अब यहाँ पर मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। छोटा छोटा मसाला है, आपको तेज फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना है। एंड आप चाहो तो बिना भुने हुए मसाले को पीस कर स्टोर कर सकते हो, बट अगर भून कर यूज करोगे तो काफी लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट के लिए भून लिया है एंड फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। एंड फ्लेम ऑफ करने के बाद 2 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और हल्का से इसे भी सारे मसाले के साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये पत्ता ये भी अच्छा खासा करारा हो जाए एंड आसानी से पिस जाए। तो चलिए मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम मसाले को बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। आपको ठंडा करके ही मसाला को पीसना है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्राइंडर जार। तो यहाँ पर पीसने के लिए आप छोटा वाला जार का यूज़ करना ताकि जो मसाले बिल्कुल अच्छे से पिस जाएँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पाउडर स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हींग, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना हल्दी, एंड साथ में ही 1/2 छोटा चम्मच इतना व्हाइट साल्ट और 1/2 छोटा चम्मच इतना ब्लैक साल्ट। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना आमचूर। तो आपको ये सारे मसाले का यूज करना है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इतना चीनी, जरूर से ऐड करना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल मसाला तैयार होगा। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच इतना ड्राई पुदीना, आपके पास है तो आप ऐड करो, वरना आप स्किप कर सकते हो। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। अभी बारिश का मौसम है तो मसाले में नमी आ जाती है, तो आप फ्लोर का यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो बस सभी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू ग्राइंडर जार को नहीं चलाना है, आपको 10 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। तो बस मैंने उसी तरीके से यहाँ पर पीस कट तैयार कर लिया है एंड हमारा स्टोरेबल मसाला बिल्कुल तैयार है। एंड साथ में देख सकती हूँ मेरा यहाँ पर हल्का सा हाथ भी कट गया है, पर डोंट वरी, हमारे यहाँ पर मसाला बिल्कुल तैयार है। इतना मसाला आप कम से कम 15 से 17 दिनों के लिए इजीली इस्तेमाल कर सकती हूँ, एंड कोई बैचलर हो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये यूजफुल रेसिपी है। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। एंड इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप महंगे महंगे मसाला लाना बिल्कुल भूल जाओगी। सो आप इस मसाले को ट्राई करो एंड आपका मसाला कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। एंड चैनल पर नया हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हो नेक्स्ट टाइम ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।